नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। नगर परिषद द्वारा अवैध निर्माण, पार्किंग और बेसमेंट के मामलों में कार्रवाई नहीं करने के विरोध में भाजपा के पार्षद राजेश सिसोदिया नगर परिषद के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सिसोदिया ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, भूख हड़ताल जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि सिसोदिया ने शहर की बेहाल यातायात व्यवस्था सुचारू कराने और व्यावसायिक परिसरों में किए गए अवैध निर्माण को हटाने की मांग को लेकर नगर परिषद से पहले भी कई बार मांग कर चुके हैं और धरने पर बैठ चुके हैं। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने उच्च न्यायालय का सहारा लिया। उन्होंने नगर परिषद पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई में भी भेदभाव करने के आरोप लगाते हुए कहा कि 5 कॉम्प्लेक्स को सीज करना था, लेकिन 3 को ही किया गया। सिसोदिया ने धरने पर बैठने से पहले अपनी जान को खतरा भी बताते हुए सुरक्षा की भी मांग की है। उन्होंने नगर परिषद के भाजपा वोट के खिलाफ भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली से भी सहयोग की मांग की है। मैं भिलवाड़ा से पहले 2 बार धरने पर बैठा था नगर परिषद के बाहर। पूरे शहर में लगभग 350 से 500 के बीच में कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई भूतल है और जो गलत उपयोग में ले रहे हैं। तो फिर मैं लगातार नगर परिषद से लड़ता रहा, पर नगर परिषद ने कहा कि हमें सरकार के आदेश नहीं है। तो मैंने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट में इनके डबल एजेंट ने माना है कि अभी भिलवाड़ा में शहर में भू परिवर्तन करने के समय जो हलफनामा दिया उसको गलत उपयोग में ले रहे हैं भूतल को, पर भूतल को शहर हित में खाली करा कर सुनिश्चित करने का आदेश दिया, लेकिन नगर परिषद कमिश्नर साहिबा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी और केवल कोर्ट में खानापूर्ति की है। कमेटी बनाई, कमेटी एक कदम भी आगे नहीं चली और जितने नोटिस दिए सीज करने के उनमें से भी 3 दिए, 2 छोड़ दिए। भाजपा पार्षद हो, बोर्ड भाजपा का है, तो इस बारे में सभापति से हमारे चर्चा हुई है क्या? मैंने जिला अध्यक्ष जी से भी संपर्क साधा, मैं उनको पत्र दिया, पार्षदों से मैंने खुद ने फ़ोन पे चर्चा की, चेयरमैन साहब से मैंने खुद ने बात की है, पर चेयरमैन साहब ने मेरे को ये कहा कि मेरा काम है केवल यो नोट जारी करना। काम करना नगर परिषद कमिश्नर और उनकी पूरी टीम का है, इसलिए उन्होंने यो नोट जारी कर दिया। फिर भी मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे साथ आप मुझे सहयोग दीजिए शहर हित में, जो ताकि रोडों की दुर्दशा खराब है, ट्रैफिक होने के कारण सारे शहर जो पूरा खड्डों के रूप में बदल गया है, उसके लिए आप मुझे सहयोग दें। अब लेना नहीं देना चेयरमैन साहब का। मैं एक अच्छी बस्तियों में और आने आसपास की जो गांव में से जो महिला आती है, जो आज़ाद चौक मेन अपना रेलवे स्टेशन से लेके बड़े मंदिर तक जिन रोडों पर जो हलते हैं, जो छोटे जो लोग निकलते हैं, एक तरफ कार खड़ी होती है, मोटरसाइकिल खड़ी होती है, तो चलता फिरता व्यक्ति जो अपनी बहन बेटियों के साथ जो हरकतें करता है, उससे आहत होकर मैं लगातार पिछले वोट से भी लड़ा हूँ, अभी भी लड़ रहा हूँ, कोर्ट की शरण में भी चला गया और फिर भी नगर परिषद नहीं करना चाह रही, तो ये मुझे पता नहीं। आप बाकी उचित निर्णय वो बताइए क्या रहेगा आगे का रूपरेखा। मैं भूख हड़ताल पर हूँ, मैंने इनसे मांग की है कि जितने आपने नोटिस दिए, जितने नोटिस दिए उतने तो सीज कर दो, बाकी तो आगे वो देखते हैं। अब देखते हैं कि आप क्या बात होती है, क्या चर्चा होती है। शहर के समीप बड़ी हंडी पहाड़ी पर स्थित चामुंडा माता मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है, दूर से ही आकर्षक नजर आ रहा है। मंदिर पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। इसी तरह रोडवेज बस स्टैंड स्थित माताजी के मंदिर, पुर स्थित घाटा रानी, कोदुकोटा में कालिका माता, फूलिया में धनुप माता, आसिन बंक्या रानी, बाडिया का माता, जोगनिया माता, जातला माता के साथ ही अन्य शक्तिपीठों पर भी नवरात्रि को लेकर के आकर्षक सजावट की गई है। शक्तिपीठों पर 9 दिन तक श्रद्धालुओं की रेलम पेल रहेगी। सोमवार को घट स्थापना की गई, वहीं शहर में गली मोहल्लों में पंडालों में माता जी की स्थापना की तैयारियां भी पूरी हो गई और सुबह से ही विभिन्न मुहूर्त में माता की प्रतिमा स्थापित की गई। शाम को गरबा डांडिया की शुरुआत होगी। परिक्रमा में लिखते हैं कि मन्नत पूरी होती है। हंडी स्थित चामुंडा माता मंदिर की परिक्रमा में दीन दुखी अपनी मन्नत लिखते हैं, वह पूरी भी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु अपनी इच्छा के अनुसार माता को कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं। मंदिर की देखरेख करने वाले लोगों ने बताया कि परिक्रमा में खून तक से मन्नत लिखी जाती है। सिंदूर और पेन से भी लोग अपने मन की बात माता तक पहुंचाने के लिए परिक्रमा का ही सहारा लेते हैं। घट स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है और आज से 9 दिन तक जो शक्तिपीठ है यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा और श्रद्धालुओं का लगातार जो शक्तिपीठ है, जो माता जी के मंदिर है, इन पर श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा रहेगा। अभी हम आए हैं भिलवाड़ा शहर के समीप पहाड़ी पर स्थित चामुंडा माता मंदिर के अंदर, जहां हम देख सकते हैं कि सुबह से ही यहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और अगर बात करें तो ये मंदिर काफी पुराना है और प्राचीन है और यहां पर शहर के समीप होने
इसके साथ ही यहाँ पर जो नवरात्रि के अलावा भी रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए आते हैं। और नवरात्रि के दिन अगर बात करें तो नौ दिन यहाँ पर विशेष पूजा अर्चन यहाँ पर होता है, रात्रि जागरण का आयोजन होता है और दूर दूर तक श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर यहाँ पर माता रानी के दरबार में आते हैं और माता रानी भक्तों की जो मनोकामना है पूर्ण करती है। पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से आस पास का जो इलाका है यहाँ पर और ही बहुत ही रमणीय नजर आता है। मंदिर की जो सुंदरता और चार चार लगाते हैं, इस मंदिर की अगर विशेषता की बात करें तो मंदिर परिसर के अंदर ऐसी मान्यता है कि परिक्रमा के अंदर लोग अपने जो मन्नत होती है वो लिख देते हैं और माता रानी उन्हें पूर्ण करती है। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर नवरात्रि के अंदर विशेष आयोजन यहाँ पर लगातार होते हैं, भजन कीर्तन यहाँ पर चलते रहते हैं, माता रानी के दरबार में लोग मत्था टेकते हैं। और यहाँ की एक विशेषता इस मंदिर के हम बताना चाहेंगे आपको कि इस मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु आते हैं अपनी जो मन्नत होती है, अपने जो मन की जो मुरादें होती है वो माता रानी के जो परिक्रमा है यहाँ पर हम बताना चाहेंगे। जिस परिक्रमा कक्ष के अंदर जो है यहाँ पर अपनी जो मन्नत है यहाँ पर लिख देते हैं, अलग अलग जो जिनके मन की जो मुरादें होती है वो अलग अलग लिख देते हैं। जहाँ पर यह मंदिर की परिक्रमा के अंदर हम दिखा सकते हैं कि लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो अपनी जो मन्नतें होती है वो यहाँ पर लिखने से माता रानी अवश्य पूर्ण करते हैं। हम भी देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पेन से, सिंदूर से और खून से भी यहाँ पर बहुत सी अपने मंदिर की जो करती सुख शांति के साथ ही, नौकरी के साथ ही, जो अलग अलग जो अपनी मन्नतें थी ये पूर्ण करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, श्रद्धालु पूरी तरह से माता जी की भक्ति में डूबे हुए हैं और आज नवरात्रि स्कूलों के साथ ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्रद्धालु पूरी तरह से यहाँ पर भक्ति भाव में होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भजन कीर्तन का यहाँ पर दौर चल रहा है। नौ दिन तक लगातार यहाँ पर आयोजन होंगे। साथ ही अगर और भी जो शक्तिपीठ की अगर बात करें तो भीलवाड़ा शहर के साथ ही जिले के अंदर प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जोगनिया माता जी है, आसिन क्षेत्र का बंकिया रानी मंदिर है, पूर्व में कटा रानी मंदिर है, शहर के अंदर जितना संतोषी माता मंदिर है, दादी गांव में और गायत्री शक्तिपीठ है, रोड बस स्टैंड पर जो दुर्गा माता का मंदिर है, सभी मंदिरों पर आज से ही नौ दिन के विशेष आयोजन शुरू हो चुके हैं। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद के लिए। अग्रकुल प्रवर्तक भगवान श्री अग्रसेन जी के 5146वें जन्मोत्सव के उपलक्ष में श्री अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट भीलवाड़ा द्वारा आयोजित किए जाने वाले 10 दिवसीय श्री अग्रसेन जन्मोत्सव 2022 की शुरुआत हुई। भव्य शोभा यात्रा दोपहर 3 बजे राजेंद्र मार्ग स्कूल कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर राजेश गोयल पदाधिकारी मंच पर उपस्थित थे। अतिरिक्त कलेक्टर डॉक्टर प्रशासन गोयल ने शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर के रवाना किया। भव्य शोभा यात्रा जो लक्ष्मी नारायण मंदिर, स्टेशन चौराहा, सदर बाजार, बालाजी मार्केट, गांधी बाजार, महाराणा टाकेश, माणिक्य नगर से रामद्वारा होते हुए अग्रवाल उत्सव भवन पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में नासिक 45 सदस्य के साथ नासिक ढोल अग्रवाल महिला मंडल के सदस्यों द्वारा इंद्रधनुष थीम पर 7 समूह में अलग अलग रंगों की ड्रेस कोड, प्रमुख चौराहों पर महिला मंडल, अग्रसखी मंडल और नव युवती मंडल द्वारा पारंपरिक नृत्य, महालक्ष्मी जी का रथ, घोड़े, सुसज्जित बग्गी, परंपरागत पगड़ी धारण किए, समाज के वरिष्ठ सदस्य और हाथों में सामाजिक संदेश दे दी तथ्यां भी लेकर के छात्र छात्राएं शोभा यात्रा की भव्यता बढ़ाते दिखाई दिए। शोभा यात्रा का नजारा देखते ही बनता था। बड़ी संख्या में श्री अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट, अग्रवाल नव युवक मंडल, अग्रवाल महिला मंडल सहित पदाधिकारी, बालक बालिकाएं, कार्यकर्ता शोभा यात्रा में झूमते नाचते गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर जौन समिति पूर्वी क्षेत्र, जौन समिति मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र, अग्रवाल समाज सेवा प्रवन्यास, अग्रवाल बायोटा समिति, विभिन्न परिवारों द्वारा अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई थी। सायंकाल में 1008 दीपों द्वारा भगवान श्री अग्रसेन जी की महाआरती के तत्पश्चात भगवान अग्रसेन जी का महाप्रसाद वितरित किया गया। जिन अग्रबंधुओं ने सत्र 2021-22 में विद्या के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए तथा जो अग्रबंधु इसी वर्ष सरकारी स्तर पर, राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर, राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर खेल और साहित्य प्रतियोगिताओं में जिले का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं उन्हें अग्रसेन अवार्ड और अग्र रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा।
आपको कृष्ण जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और उत्साह का माहौल है, सेलिब्रेशन जैसा है बिल्कुल, जो हमें करना भी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते उसे इतना सा एक बात कहूँगा कि महाराजा कृष्ण जी की जो एक रीति थी जिसकी आज हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे समाज का जो कमज़ोर या असहाय या निर्धन तबका जो है उसको साथ में लाने के लिए, बराबरी का तबका, बराबरी का दर्जा देने के लिए, उसके लिए उनका जो सिद्धांत था, जो बात में कई देशों में जाकर के समाजवाद का सिद्धांत कहलाया, जिसका अवतारी धर्म के संस्थापक अग्रवालों के कुल देवता अग्र कुल प्रवर्तक भगवान अग्रसेन जी का ये हम 5146वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। भीलवाड़ा शहर के अंदर ये जुलूस यात्रा हमारी निकल रही है, पूरा अग्रवाल समाज इसका जुड़ा हुआ है, अग्रवाल समाज संपत्ति के बैनर तले ये यात्रा निकल रही है, जिसमें अग्रवाल नयुक्त मंडल, सारी जोन समितियाँ, महिला मंडल, अग्रसखी मंडल, सारी समितियों सारी जुलूस निकल रहा है। आज आप देखो कितना जबरदस्त जुलूस भीलवाड़ा शहर के अंदर निकल रहा है। आज महाराजा अग्रसेन 5146वीं जन्मोत्सव जयंती का शुभारंभ हुआ। अभी अभी हम लोग शोभा यात्रा संपूर्ण करके और जहाँ हमारा मेला प्रांगण है वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ पर महाप्रसादी है और उसके बाद में कल से लेकर 5 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम है, जिसमें दिन में महिलाओं के एवं बच्चों के कार्यक्रम होंगे, रात को सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, 1, 2 और 3 तारीख को डांडिया का प्रोग्राम है, 3 तारीख को संत समाज की डांडिया की सुविधा रखी गई है, 4 तारीख को रक्तदान शिविर रखा गया है समाज द्वारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम शोभा यात्रा के बाद में भगवान का महाप्रसाद जो हमारे 7500 अग्रबंधुओं का होगा वो अग्रवाल समाज का 10 दिवस से आयोजित किया जा रहा है महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर। उसमें महिला मंडल के 3 दिवसीय प्रोग्राम है, बुके बनाओ, सलाद डेकोरेशन प्रतियोगिता, बेबी फोटोशूट 27 तारीख को, 28 तारीख को है, अनाज से गहने बनाओ, मेहंदी प्रतियोगिता, बांधना प्रोजेक्ट बनाओ और एक स्पेशल महिला मंडल की प्रस्तुति है नारी तरह रूप अनेक जायके के साथ, इसमें महिला शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। महिलाएं आजकल प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है। लेकिन वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक ब्रेक। लघु उद्योग भारती महिला इकाई भीलवाड़ा द्वारा आयोजित लाइफस्टाइल एग्जीबिशन 27 और 28 सितंबर को, स्थान महेश छात्रावास रोडवेज बस स्टैंड रोड भीलवाड़ा, रियल डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, थेवा ज्वेलरी, गरबा एंड इमिटेशन ज्वेलरी, प्योर सारीज, डिजाइनर कुर्तीज, क्रॉकरी, होम डेकोर, हैंडीक्राफ्ट, ऑर्गेनिक फूड, टॉयज, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट, फूड स्टॉल एटसेट्रा। संपर्क सूत्र गिरीश अग्रवाल, मोबाइल नंबर 9351533576, निवेदक विमला मुड़ोद अध्यक्ष, चंदा मुंदड़ा सचिव, पल्लवी लठा कोषाध्यक्ष। स्पॉन्सर्ड बाय सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। ₹25,000 square feet का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 square feet के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वरवधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीवाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151।
श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के महा के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख समय प्रातः 9:30 से 11:30 स्थान अपना घर वृद्धाश्रम परामर्श डॉक्टर विनित कुमार एम टीम उदयपुर। इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख समय 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बाबजी चौराहा सांगनेर रोड भिलवाड़ा परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष आयुर्वेदिक एमजीएच परिसर भिलवाड़ा परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख समय प्रातः 9 से 11 बजे तक स्थान वृद्धाश्रम अपना घर आरसी व्यास कॉलोनी परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह काछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख समय है 10 से 12 बजे तक स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गोशाला सिंद्री के बालाजी भिलवाड़ा परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख समय प्रातः 8 से 10 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। शाम के सब्जी मंडी स्थित झूलेलाल मंदिर में सोमवार को अश्विन नवरात्र के उपलक्ष्य में विधिवत पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ घट स्थापना की गई। सिंधी समाज के प्रवक्ता मूलचंद बहरवानी ने बताया कि मंदिर में सुबह बड़े सवेरे से ही माता रानी के जयकारों से श्रद्धालुओं ने आकाश को गुंजायमान कर दिया। संस्था के अध्यक्ष चेलाराम लखवानी, सेवाधारी अध्यक्ष हेवनदास भोजवानी, समाजसेवी पुरुषोत्तम नथरानी, हनुमान लखवानी, एमडी राम आसनानी, दीपक भोजवानी, कमल हेमदानी सहित कई लोगों ने मिलकर के पूजा अर्चना कर घट स्थापना की। संस्था के अध्यक्ष चेलाराम लखवानी ने आज सुबह 9 बजे मंदिर में भगवान झूलेलाल का अभिषेक किया और 10:15 बजे ध्वज की पूजा अर्चना के बाद संत महात्माओं के सानिध्य में ध्वजारोहण करने की भी बात कही। मंगाराम भगत, पंडित नवीन शर्मा, लाल महाराज दशरथ मेहता, बाबूलाल शर्मा, शांति लाल शर्मा के दल ने माता की स्तुति में विभिन्न श्लोकों का उच्चारण किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर सभी श्रद्धालुओं ने नृत्य कर समा बांध दिया। श्री राम सेवा मंडल द्वारा भजन और गीत प्रस्तुत किए गए। बाद में श्रद्धालुओं ने माता और भगवान झूलेलाल के 108 दीपकों से महाआरती भी की। अंत में पल्लव अरदास की गई। कार्यक्रम में तुलसीदास नथरानी, गंगाराम पेशवानी, सुरेश भोजवानी, रमेश अडवाणी, घनश्याम शामदानी, किशोर पारदासानी, गुलशन विधानी, रमेश पमदानी, वंदना मूलचंदानी, हरीश रजवानी, शेरू निहलानी, विजय निहलानी, नारूमल लालवानी, मनोज गोबलानी, आसवन पुरस्वानी, रौनक विधानी, ओम बाबानी, घनश्याम मोतियानी, ओम गुलाबानी सहित अनेक लोग मौजूद थे। आदर्श नगर सांगनारी कॉलोनी में स्थित मां सिद्धिदात्री शक्तिपीठ मंदिर में आज नवरात्रि स्थापना पर मां जगदम्बा की घट स्थापना की गई, जिसमें समस्त आदर्श नगरवासियों ने भाग लिया और जगदम्बा से सबकी मंगल कामना की। नवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। श्री सीताराम मंडल सेवा समिति के तत्वावधान में नवरात्रा के पावन पर्व पर श्री सीताराम जी के बावड़ी पर श्री रामचरितमानस नवाहन परायण के पाठ की शुरुआत सुबह 7 बजे घट स्थापना के साथ शुरू हुई। व्यासपीठ पर विराजित प्रसिद्ध रामायण संत श्री अर्जुन राम जी महाराज जोधपुर वाले के सानिध्य में साज बाज के साथ रामायण पाठ में लगभग 250 से अधिक भक्तों ने भाग लिया। आज के प्रसंग में गुरु वंदना, ब्राह्मण संत वंदना, वाल्मीकि वेद, ब्रह्मा शिव पार्वती वंदना सहित कई प्रसंगों पर पाठ किया गया। पाठ के अंत में आज ही के पाठ से संत श्री द्वारा एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न था, किसकी आज्ञा से विवाह के समय शिव जी पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। प्रतियोगिता में 72 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 59 सदस्यों का सही जवाब मिला। उन्हें कल लकी ड्रॉ द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। उपरोक्त जानकारी मंडल के सचिव कैलाश नोवाल ने दी। सरपंच संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया ने सरपंच संघ की कार्यकारिणी का विस्तार किया। इस कार्यकारिणी में कालूराम जाट बागोर सरपंच एवं सरपंच संघ अध्यक्ष पंचायत समिति मांडल के कार्य को देखते हुए
बड़ी जिम्मेदारी देते हुए सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस जिम्मेदारी से पंचायत समिति के सभी सरपंच एवं ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। कालूराम जाट के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर बागोर में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में पंचायत समिति सदस्य हरीश चंदेल, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा हुसैन, ओंकार लाल तेली, घनश्याम ओझा, श्यामलाल खटीक सहित कई लोग और कई ग्रामीण उपस्थित थे। नवरात्रि की पूर्व संध्या रविवार को धानमंडी स्थित बद्रीनारायण मंदिर में आयोजित भजन संध्या का शुभारंभ गणेश एवं गुरु वंदना से किया गया। भजन गायक ओम प्रकाश भदादा द्वारा भजन अमृत है हरि नाम हमारा छोड़ विषय रस पीना क्या ने सभी श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। भगवती भजन मंडल के गायक हितेश व्यास ने भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा भजन गाकर के वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस भजन संध्या में कांता भदादा, पुनीता व्यास, यशोदा अरोड़ा, शालिनी काबरा ने भी गीतों की प्रस्तुतियां देकर के भक्ति की लहर बहा दी। आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की महिला प्रदेशाध्यक्ष रश्मि सक्सेना द्वारा अनीता भटनागर को भिलवाड़ा की महिला जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। महासभा की संयुक्त मीटिंग में अनीता भटनागर द्वारा नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर निशा माथुर, लता माथुर, रीना भटनागर, कमलेश माथुर को संरक्षक, निधि भटनागर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पुष्पा सक्सेना को उपाध्यक्ष, किरण माथुर एवं अंकिता माथुर को सचिव, दिव्या माथुर को संगठन सचिव, दीपाली भटनागर को सांस्कृतिक सचिव एवं ज्ञानवती माथुर को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। सलाहकार के पद पर डॉक्टर चारू माथुर को मनोनीत किया गया। कार्यकारिणी सदस्यों में मोनिका माथुर, उषा सक्सेना, मधु भटनागर, निशा सक्सेना, शैलिया सहाय, अर्चना सक्सेना, सावित्री सक्सेना, कृति सक्सेना, कविता माथुर एवं अल्पना जौहरी को मनोनीत किया गया। यह कार्यकारिणी संयुक्त रूप से आगामी सत्र तक चित्रांश समाज के कल्याण के लिए कार्य करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।